नॉट विजिबल, ओके टुडे 7/12 2020 खुशी सिंह पूजा पटेल मैत्री पटेल विनीत मैत्री शाह प्रेजेंट सर विश्वा प्रेजेंट सर प्रियांशी प्रेजेंट सर और कोई आया है इनमें से? खुशी सिंह प्रेजेंट। एनीवन एल्स? अनुप्रसाद प्रेजेंट अनुप्रसाद इज आल्सो प्रेजेंट। चलो अनुप्रसाद आ गई आज। ठीक है चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम डाउट सेशन रखेंगे आपका, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। अभी भी सब बच्चे सॉल्व करके सेंड नहीं कर रहे मेरे को, कुछ तीन चार स्टूडेंट्स ही सॉल्व कर रहे हैं और उनके ही कुछ डाउट्स आए थे, तो वो पहले मैं डिस्कस करूँगा। और होमवर्क सबको कंपलसरी करना है, जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं उनके फिर असाइनमेंट में नंबर होमवर्क के काउंट नहीं होंगे, है ना? होमवर्क के मार्क्स आपके जो हैं असाइनमेंट के अलग से जुड़ने वाले हैं, आपको पता हो। होमवर्क सभी को करना है और होमवर्क कंप्लीट करके आपको सेंड करना है, ठीक है? यस। तो होमवर्क क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट था पहले मेरे को ये बताओ। होमवर्क क्वेश्चंस जिन लोगों ने अटेम्प्ट किए थे उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस में आप लोगों के डाउट थे? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3, 5, 8 एंड 10। ठीक है, सीक्वेंस में मैं चारों क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग रीड करेंगे, इसका इमेज ऑलरेडी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ, वहीं से आप उसको क्वेश्चन को रीड करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्स्टेंट फोर्स एज शोन इन द फिगर। इसमें फिगर आपको इस तरह का दिया हुआ है, एक ब्लॉक है और जिसको हम कॉन्स्टेंट फोर्स से पुल कर रहे हैं। ठीक है, एक ब्लॉक को हम कॉन्स्टेंट फोर्स से पुल कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्स्टेंट फोर्स सो दैट द ब्लॉक मूव्स विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ डिस्टेंस डी, है ना? अब ये फोर्स का कुछ एंगल दे रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल आपको गिवन है विच इज थीटा। ठीक है, सच दैट योर ब्लॉक विल मूव विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ब्लॉक हमारा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए, कंडीशन भी हमें दे रखी है, ब्लॉक को एक्सेलरेट नहीं करवाना है। थ्रू अ डिस्टेंस डी, डिस्टेंस कितना कवर करेगा? डी डिस्टेंस कवर करेगा। गिवन दैट द ग्राउंड इज रफ विद अ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। अच्छा, जो हमें ग्राउंड दे रखा है वो भी रफ है, जिस पे ये ब्लॉक हमने रखा हुआ है ये सरफेस भी हमें रफ दे रखा है। सरफेस कैसा दे रखा है?
रफ सरफेस दे रखा है, इसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमें म्यू दे रखा है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द वर्क डन इन पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट फोर्स एफ। ठीक है, इस ब्लॉक का मास भी आपको एम दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, है ना। जब भी हमें ऐसा कोई सिस्टम दे रखा हो तो ऑलवेज ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। सबसे पहले ब्लॉक का एफ बी डी बनाओ। एफ बी डी कैसे बनाओगे? एफ बी डी देखो, ब्लॉक का अगर मैं बनाऊँ तो ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे वो पहले मैं शो कर देता हूँ। जैसे एफ फोर्स इधर लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। ठीक है, इस पे इसका मास एम है तो इस पे एक एम जी फोर्स भी लगेगा, और रफ सरफेस है तो इसकी सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। ठीक है, रफ सरफेस है तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। तो ये सारे फोर्सेस इस ब्लॉक पे लगेंगे, है ना, ये सारे फोर्सेस इस ब्लॉक पे लगेंगे। ठीक है, अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है कि वर्क डन कितना हो। अब ये ब्लॉक आपका डी डिस्टेंस कवर कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ वी, है ना। इस कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। अगर कोई ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इफ अ ब्लॉक इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी देन उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, बताओ मेरे को। अगर कोई ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अच्छा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, वो भी आपको शो करना है। इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, दैट ऑल्सो यू हैव टू शो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, बताओ। व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा ना, बिल्कुल सही बात। वही बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमें कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है कि ब्लॉक इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू जीरो। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। तो मतलब एक्स एक्सिस में, मतलब पॉजिटिव एक्सिस में, देखो वर्टिकल एक्सिस में तो ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक मूव क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही मूव कर रहा है ना, इस वाली एक्सिस पे ही मूव कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूँ, जिस एक्सिस पे इसका मोशन है उस एक्सिस पे इसका नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अगर नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो मैं कह सकता हूँ नेट फोर्स भी जीरो होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। If net acceleration is zero, then I can say that net force in x direction is also equal to zero. अगर net force zero हो गया, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो force है वो इसको balance कर लेगा, है ना। मतलब ये वाला force इसको balance करते हुए ये block आपका आगे चलेगा। मतलब आपका जो f cos theta का value होगा, मैं उसको उतना ही force लगाऊंगा जितना फ्रिक्शन फोर्स है, तभी ये ब्लॉक आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव करता रहेगा। अगर मुझे इस ब्लॉक को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है और मुझे पता है कि इस ब्लॉक को सिर्फ यही वाला फोर्स रोक रहा है, तो मैं इसको इतना फोर्स अगर आगे की डायरेक्शन में दे दूंगा तो ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं इससे ज़्यादा फोर्स दूंगा, म्यू एन से ज़्यादा फोर्स अगर मैं अप्लाई करूंगा, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि हमें इस ब्लॉक को एक्सेलरेट नहीं करवाना, हमें इस ब्लॉक को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है। ठीक है, तो
तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए हमारा जो नेट फोर्स हमने निकाला एक्स डायरेक्शन में, वो जीरो के बराबर होना चाहिए, तभी आपका ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो नेट फोर्स इस पे क्या होगा, विच इज़ एफ कॉस थीटा इन राइट साइड माइनस म्यू इंटू एन, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो आई कैन राइट हियर एफ कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, एफ कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आप वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करके निकाल सकते हो। अब वर्टिकल एक्सिस में देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो एफ साइन थीटा, वर्टिकल एक्सिस में कौन से फोर्स लग रहे हैं, एफ साइन थीटा प्लस एन विच इज बैलेंस्ड बाय योर एम जी फोर्स। सो नॉर्मल फोर्स विल बी एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, दिस इज योर कैपिटल एम, ठीक है। तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, अगर आप नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको एफ कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, एफ कॉस थीटा विच इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। अब हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन हम सबको पता है, वर्क डन इज डिफाइंड एज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन यहाँ पे कौन कराएगा, कौन सा फोर्स कराएगा, एफ कॉस थीटा वाला फोर्स जो होगा वो वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और डिस्प्लेसमेंट हमें कितना दे रखा है, डी दे रखा है। अब देखो ये वाला जो फोर्स है जिसके थ्रू वर्क डन हमारा होगा और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों के जो वेक्टर्स हैं इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर्स हमारे सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, है ना। ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू डी, दिस विल बी योर वर्क डन, ठीक है। और एफ कॉस थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यहाँ से, एफ कॉस थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज़ म्यू टाइम्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, म्यू टाइम्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा इंटू डी, दिस विल बी योर वर्क डन, ठीक है। तो हमें वर्क डन ही कैलकुलेट करना था, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी दिस, दिस विल बी योर आंसर। आप लोगों को समझ आए क्वेश्चन, है ना। सो ये हमारा वर्क डन होगा जो एफ कॉस थीटा फोर्स के थ्रू होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो फोर्स लग रहा है उसके थ्रू इतना वर्क डन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ही मैं बता देता हूँ, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 में कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, जिसका भी ये डाउट है उसने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, तो बिल्कुल ध्यान देंगे। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो आपको फोर्स का वैल्यू दे रखा है, फोर्स का वैल्यू कितना दिया है, विच इज़ 10 प्लस 0.5 x न्यूटन। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज़ अ वेरिएबल फोर्स, है ना। ये किस टाइप का फोर्स है, वेरिएबल फोर्स, दिस इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट फोर्स, क्योंकि ये पोजिशन के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ पोजिशन। तो हमें वर्क डन फाइंड करना है, और फ्रॉम पोजिशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 2। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फ्रॉम इनिशियल पोजिशन
to final position. This will be the work done by the variable force. ठीक है, so हम इसको integrate कर देंगे simple. Force की value हमें पता है 10 plus 0.5x dot dx. ठीक है, integration from 0 to 2. सिंपली आप इसको इंटीग्रेट करोगे आप, और जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ से 10 को इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट 10x प्लस 0.5x² अपॉन 2. नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फ्रॉम 0 टू 2, सो ये हो जाएगा 20 प्लस 1, यू विल गेट 21 जूल्स. ठीक है, 20 प्लस 1 विल बी 21 जूल विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर, इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, 21 जूल्स के बराबर. क्लियर है सबको. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना. क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ सब लोग, 3 के बाद 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 8. अगेन आपको फोर्स का वैल्यू दे रखा है. देखो क्वेश्चन नंबर 8 इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स है ना. यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ फोर्स, आपको फोर्स का वैल्यू दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे फोर्स का वैल्यू कितना है, विच इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. अब ये टू डायमेंशनल फोर्स है, इट इज़ द वेरिएबल फोर्स बट ऑल्सो इट इज़ अ टू डायमेंशनल फोर्स. ठीक है, ये सिंगल डायमेंशन का फोर्स नहीं है. दिस फोर्स इज वेरिएबल, और वेरिएबल में मैंने आपको दो केस पढ़ाए थे, एक तो 1D फोर्स और दूसरा 2D फोर्स. तो ये सेकेंड वाला केस है, इट इज़ वेरिएबल फोर्स एंड इट इज़ ऑल्सो अ 2D फोर्स. ठीक है, इट इज़ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एंड द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 0,0. पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, 0,0 से 1,0. ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस एंड 1,0 टू 1,a अलोंग द वाई एक्सिस. देन फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एंड फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स. अब पहले हम पार्टिकल के पाथ को ट्रेस करेंगे कि पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहा है ना. तो सबसे पहले आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ और एक्चुअल पोजीशन पता करो कि पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहा है. ठीक है, तो मैंने ये रेफरेंस एक्सेस सबसे पहले बना दी. अब आप यहाँ पे इस पार्टिकल के पाथ को ट्रेस करोगे, पहले ये 0,0 पे था. ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पहुँच गया, 1,0 पे, मतलब एक्स एक्सिस पे मूव किया यहाँ से लेके यहाँ तक. उसके बाद उसने वाई एक्सिस पे मूव किया 1,0 से लेके 1,a तक. ठीक है, तो 1,a यहीं पे कहीं आएगा, ये a है तो यहाँ भी कहीं a होगा, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उसने मूव किया. इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1,a. तो फाइनली जो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, हम सबको पता है कि वर्क डन इज डिफाइंड एज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना. इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं ना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds ले लेते हैं अगर फोर्स वेरिएबल है, और उसको फिर इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन. बट यहाँ पर टू डायमेंशनल आपका फोर्स है, तो हम इनिशियल पोजिशन क्या लेंगे, फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल. ठीक है, अब x नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि x हम तब लिखते थे जब हमारा 1D में फोर्स लगता. ठीक है, अब आप इसको रिप्लेस कर दोगे dr से, और यहाँ पे लिखोगे आर इनिशियल टू आर फाइनल. ठीक है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, देखो ये फाइनल पोजिशन है और ये हमारी इनिशियल पोजिशन है. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो ऐसा कुछ होगा है ना. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका ऐसा कुछ होगा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल
तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा, है ना, जो हमारा डी आर वैक्टर होगा, यू कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर होगा या फिर डी आर वैक्टर होगा, जो भी आप कहना चाहो, है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इट इज ए माइनस ज़ीरो आई कैप प्लस ए माइनस ज़ीरो जे कैप, ठीक है। इसकी ये पोजीशन में से ये पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, वेक्टर्स है तो आई में से आई को माइनस करोगे और जे में से जे को माइनस करोगे, ठीक है। तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल जाए, बात समझ आई। अब जैसे ही आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल गया तो वर्क डन निकालना काफ़ी सिंपल है, फोर्स का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है ना, फोर्स का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हमें पता है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी हमें पता है ना। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, एफ डॉट डी आर, ठीक है। डी आर वैक्टर को क्या लिखोगे, इनिशियल पोजीशन आपकी थी 0,0 और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, a,a, ठीक है। डी आर वैक्टर आपका कितना हो जाएगा, डी आर वैक्टर आपका हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें आपकी वेरिएबल है ना, यहाँ पे एक्स में भी आपका मोशन वेरिएबल है, वाई में भी आपका मोशन वेरिएबल है, ठीक है। तो डी आर वैक्टर को आप ऐसे लिखोगे, एफ वैक्टर आपको ऑलरेडी दे रखा है तो इनका डॉट प्रोडक्ट करवाना है सबसे पहले, डॉट प्रोडक्ट करवाओगे, बात समझ पा रहे हो। उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, देखो डॉट प्रोडक्ट जब आप करवाओगे तो यू विल गेट, एफ वेक्टर हमें पता है के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, और फिर इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0,0 टू ए कॉमा ए। बात समझ आई, क्लियर हुआ सबको, कैसे करना है, है ना। डी आर वेक्टर को हम किस तरह से लिखेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करवाओगे, अब डॉट प्रोडक्ट कराना हम सबको आता ही है, आई वाले कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करोगे और जे वाले कंपोनेंट को जे से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आई वाला कंपोनेंट क्या है, के एक्स डी एक्स, सो यू विल गेट के एक्स डी एक्स प्लस के वाई डी वाई। अब देखो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है फ्रॉम 0 टू a, तो विल राइट हियर 0 टू a। वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, फ्रॉम 0 टू a, तो विल राइट हियर फ्रॉम 0 टू a। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका वर्क डन यहाँ से मिल जाएगा। इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यू विल गेट के एक्स स्क्वायर बाय टू फ्रॉम 0 टू a प्लस के वाई स्क्वायर बाय टू फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू के ए स्क्वायर बाय टू प्लस के ए स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर, वर्क डन विल बी के ए स्क्वायर। समझ आ गया बेटा, क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन नंबर 8। इट इज द क्वेश्चन ऑफ वेरिएबल फोर्स इन टू डायमेंशनल, है ना, ये वेरिएबल फोर्स भी है और 2D फोर्स भी है, तो इसमें हम इंटीग्रेशन इस तरीके से करेंगे,
ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने क्लास में एक कर लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ क्वेश्चन ऑफ ग्राफ, जहाँ पे आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है ना, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का आपको ग्राफ दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज यूज टू पुल द ब्लॉक। अच्छा ठीक है, एक ब्लॉक है जिसको हमने किसी सरफेस पे रखा हुआ है, इस तरह की एक सरफेस है, इस पे हमने एक ब्लॉक को रखा हुआ है और इस पे हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने अप्लाई किया एंड द वेरिएशन ऑफ दिस फोर्स विद द पोजिशन, एंड दिस फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टेंट फोर्स, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स, और इसका वेरिएशन हमें ग्राफ से शो किया गया है। ग्राफ के थ्रू इसका वेरिएशन हमें शो किया गया है कि किस तरह से आपका फोर्स जो है वो पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है ना। मतलब फोर्स का वैल्यू पोजीशन के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है, इट इज शोन इन द ग्राफ, वो इस तरह से वेरी कर रहा है। पहले तो कांस्टेंट है 10 न्यूटन, ये फोर्स की एक्सिस है और ये एक्सिस आपकी एक्स की है, पोजीशन की। ठीक है, पहले 5 सेकेंड तक हमारा फोर्स जो है वो, मतलब पहले 5 मीटर्स तक हमारा फोर्स है वो कांस्टेंट, उसके बाद वो रिड्यूस होना शुरू हुआ, 10 मीटर्स तक वो रिड्यूस हुआ और 15 मीटर्स पे जाके स्टॉप हो गया। ठीक है, यहाँ तक ही फोर्स लग रहा है, तो इस तरह का वेरिएशन हमें दिया हो गया। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। इस केस में हमारा वर्क डन क्या होगा, यही है क्या क्वेश्चन नंबर 10? कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम 0 to 10। अच्छा, तो पहले हमें 0 से लेके 10 तक का वर्क डन निकालना है कितना होगा। तो 0 से लेके 10 तक हमने आपको बताया वर्क डन इज डिफाइंड एज एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, एरिया अंडर फोर्स एंड पोजिशन कर्व। ठीक है, वर्क डन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं ना, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो एफ डॉट डी एक्स का, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एरिया अंडर द एफ एक्स कर्व। अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप लेता हूँ जिसकी थिकनेस डी एक्स के बराबर है और इस पर फोर्स एफ लग रहा है, तो इसका एरिया कितना होगा, एफ डी एक्स होगा। इस एक स्ट्रिप का जो एरिया होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, फोर्स एफ है और थिकनेस डी एक्स है, तो इसका एरिया कितना होगा, एफ डी एक्स। जब ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स को मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वर्क डन मिलेगा। तो वर्क डन इज डिफाइंड एज एरिया अंडर द एफ एक्स कर्व। तो अभी हमें 0 से लेके 10 तक का वर्क डन निकालना है, तो 0 से लेके 10 तक का एरिया क्या होगा, एक तो ये रेक्टेंगल का एरिया होगा और दूसरा ये ट्राइंगल का एरिया होगा। 0 से लेके 10 तक में 2 एरियाज आपके कवर हो जाएंगे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 10 5 50 प्लस इसका हो जाएगा ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 25। तो 50 प्लस 25 विल बी 75 जूल्स। दिस विल बी द वर्क डन फ्रॉम 0 to 10 meters। ठीक है, 0 से लेके 10 meters तक का जो वर्क डन होगा किसके बराबर होगा, 75 जूल्स के बराबर होगा। इसका सेकेंड पार्ट देखो, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉक्स फ्रॉम 10 to 15 meters। अब 10 से 15 मीटर्स में आपका ये वाला एरिया आएगा, फ्रॉम 10 टू 15 मीटर्स जो हमारा वर्क डन होगा वो ये एरिया में होगा। ठीक है, अब 10 टू 15 मीटर्स के लिए जो फोर्स है वो नेगेटिव है, देखो फोर्स का वैल्यू आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, फोर्स का वैल्यू नेगेटिव है, तो एरिया हमारा जो आएगा है ना, एरिया हमारा नेगेटिव आएगा है ना, एरिया हमारा नेगेटिव आएगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी माइनस ऑफ हाफ इंटू
बेस इनटू हाइट। अब ये कितने नीचे तक जा रहा है वो हमें गिवन है कि नहीं गिवन है? हाँ, जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे जा रहा है, मतलब ऊपर 10 तक गया था नीचे भी 10 तक जा रहा है। ठीक है, ऊपर 10 तक गया था तो नीचे भी कहाँ तक जाएगा? 10 तक ही जा रहा है। तो माइनस हाफ इंटू 5 इंटू 10 है ना, तो ये हो जाएगा -25 जूल्स। ठीक है, और अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है 0 से लेके 15 मीटर्स तक, तो टोटल वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? 75 -25, सो योर नेट वर्क डन विल बी, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा 0 से लेके 15 मीटर्स तक अगर मुझे वर्क डन निकालना है, सो दैट विल बी 75 -25 विच इज इक्वल टू 50 जूल्स। ठीक है, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? 50 जूल्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो ये जो भी मैंने होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे, ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और अगर आप इनको सॉल्व कर लोगे तो ये कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए। सपोज करो आपको फोर्स का वैल्यू ऐसा दे रहे हो, सपोज करो आपको एफ एक्स कर्व इस तरह से दे रखा होता, दिस इज योर एफ एक्स कर्व, ठीक है, फोर्स इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन, लेट्स से दिस फोर्स इज 100 न्यूटन, दिस पोजिशन इज 5 मीटर्स, सेवन मीटर्स, 8 मीटर्स, ट्वेल्व मीटर्स। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड द नेट वर्क डन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट वर्क डन फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू 12, नेट वर्क डन इक्वल्स टू वॉट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 12। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और मेरे को बताएंगे। All of you will try this question and calculate the net work done from x is equal to 0 to x is equal to 12 meters. This is your 0 meters and this is your 12 meters.
अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप मुझे एक चीज़ ये बताओ पहले, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि अगर सपोज करो मैंने आपको इस तरह का कोई फिगर दिया होता, सपोज करो मैंने आपको इस तरह का कोई फिगर दिया होता, तब आप वर्क डन कैसे निकालते? सपोज करो इस तरह का मैंने आपको सर्कल दिया, ठीक है, इस तरह का मैंने आपको एक सर्कल दे दिया, सपोज करो मैंने आपको इस तरह का एक सर्कल दे दिया, ठीक है। तो इस केस में हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस तरह का हमें एक सर्कल दे रखा है और सपोज करो यहाँ पे फोर्स की एक्सेस है, यहाँ पे आपका पोजीशन है, ठीक है, ये फोर्स है 100 न्यूटन, ये -100, और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 20 मीटर्स, 10 मीटर्स, 0 मीटर्स। वर्क डन फ्रॉम 0 to 20 meters, जीरो से 20 मीटर्स तक के लिए वर्क डन कितना होता? डायग्राम को ध्यान से देखो और डायग्राम देख के बताओ कि 0 से 20 मीटर्स के लिए आपका वर्क डन कितना होना चाहिए। जीरो होना चाहिए ना, कितने लोग बोलते हैं जीरो होना चाहिए? मैत्री पटेल इज सेइंग जीरो। देखो बेटा, ऊपर का एरिया आपका पॉजिटिव है ना, फोर्स आपका पॉजिटिव है, तो ये वाला एरिया आपका पॉजिटिव आएगा ना, इसका जो एरिया निकालोगे तो आपका पॉजिटिव एरिया मिलेगा, इसमें फोर्स नेगेटिव है तो इसका एरिया आपको नेगेटिव मिलेगा, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा ना, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 0 से 20 मीटर्स के लिए वर्क डन आपका कितना हो गया? जीरो हो गया। बात समझ आई? 0 से 20 मीटर्स के लिए आपका जो नेट वर्क डन आया वो कितना हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। बट अगर सपोज करो यही सर्कल मैं इस तरह से बना था, यही सर्कल अगर मैं इस तरह से प्लॉट करता, इसी सर्कल को मैं ऐसे प्लॉट करता और सेम वैल्यू देता, यहां पे सपोज करो देता 10 न्यूटन, यहां पे देता 80 न्यूटन, ये डिस्टेंस आपका है
2 meters और ये पोजीशन आपका है 6 meters, ठीक है। दिस इज योर फोर्स, दिस इज योर पोजीशन। नाउ व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 2 टू एक्स इज इक्वल टू 6। What is the work done in this case from x is equal to 2 to x is equal to 6? x 2 मीटर से लेके 6 मीटर तक आपका वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इज यू नो दैट एरिया अंडर fx कर, एरिया अंडर फोर्स एंड पोजिशन कर। तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया, यू हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 मीटर्स टू एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर्स। क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो इसका एरिया कितना होगा? सिक्सटीन पाई, 4 पाई। एरिया कैसे निकालोगे? सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल के एरिया को आप कैसे डिफाइन करते हो? पाई आर स्क्वायर लिखते हो। रेडियस को क्या लिखते हो? डायमीटर अपॉन 2, या फिर आप इसको डायमीटर के फॉर्म में ऐसे लिखते हो, पाई डी स्क्वायर बाय 4, है ना? सर्कल का एरिया तो यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर। रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, सो यू कैन राइट पाई इंटू डी बाई 2 स्क्वायर विच इज पाई डी स्क्वायर बाई 4। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि इसका डायमीटर क्या है? वट इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल? इस सर्कल का डायमीटर क्या होना चाहिए? सर्कल का डायमीटर तो सबको पता है ना क्या होता है। वट इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल? क्या कोई बता सकता है? पहले तो मुझे ये बताओ कि इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट विल बी द डायमीटर फॉर दिस सर्कल?
किसी को डायमीटर पता चल रहा है कितना होगा? डायमीटर 4 होगा। अच्छा, डायमीटर 4 होगा। यूनिट क्या होगा डायमीटर का? मैथिली पटेल इज सेइंग डायमीटर इज 4 मीटर। मैथिली पटेल इज सेइंग ओनली हियर दैट डायमीटर इज 4 मीटर्स। व्हाट अबाउट दिस? क्या ये डायमीटर नहीं होगा? अगर ये डायमीटर है तो ये भी तो डायमीटर है। दिस इज ऑल्सो डायमीटर ना? येस और नो? यू आर सीइंग ओनली वन एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिस इज योर डायमीटर विच इज 4 मीटर्स। वॉट अबाउट वर्टिकल एक्सिस? दिस इज ऑल्सो डायमीटर, दिस इज ऑल्सो डायमीटर। इस डायमीटर का क्या? अब मैं कौन सा डायमीटर लूं आंसर निकालने के लिए? वेदर आई शुड टेक एक्स एक्सेस वाला डायमीटर की वाई एक्सेस वाला डायमीटर? कौन सा डायमीटर लूं? टू फाइंड द करेक्ट आंसर, विच डायमीटर आई शुड टेक? इस पे थोड़ा सोचना आप लोग, और फिर मैं आपको कल बताऊंगा। इस पे आप लोग थोड़ा अच्छे से सोचो, इस क्वेश्चन को एनालाइज करो, खुद से ट्राई करो एक बार। अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको कल सॉल्व करवाऊँ, ठीक है? एक ट्राई आप खुद से इसको देना। चलो, अभी हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?